हाल ही के समय में इंडियन सिनेमा में जिस तरीके से मूवी के प्रमोशन की स्ट्रेटेजी बदली है, एकदम यूनिक तरीके से फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, पहले किसी भी मूवी के प्रमोशन के लिए उसका सबसे पहला हथियार और सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार था उसका ट्रेलर। जब ट्रेलर रिलीज होता था, उसी से लोग अंदाज लगाते थे कि ये मूवी किस तरीके की है या फिर इसकी कहानी किस तरीके की होगी। लेकिन हाल ही के दिनों में जो मूवीज का प्रमोशन हो रहा है वो बिल्कुल ही अलग है। ट्रेलर रिवील करने से पहले ही, मतलब कि ट्रेलर के बिना ही, इतना यूनिक तरीके से मूवी को प्रमोट करते हैं मेकर्स, रोज कुछ न कुछ नई स्ट्रेटेजी लेकर आते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने डंकी और सलार का प्रमोशन देखा, इन दोनों का ट्रेलर बहुत ही बाद में आया, लेकिन इन दोनों मूवी की हाइप ट्रेलर के बिना ही पिक पर थी। स्पेशली सलार का प्रमोशन इतना यूनिक तरीके से हुआ क्योंकि देखिए, प्रशांत नील ने पहले से ही ठान लिया था कि ट्रेलर जल्दी रिवील नहीं करना है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई स्पॉइलर हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने इतना यूनिक तरीका निकाला बिना ट्रेलर के सलार को प्रमोट करने का, जहां पर वो सलार आर्मी वाला था, फिर वो मर्चेंडाइज वाला था। हर रोज सलार को लेकर कुछ ना कुछ नया लेकर आते थे कि पब्लिक में इसकी हाइप बनी रहे। तो अब कुछ ऐसे ही स्ट्रेटेजी अपनाते दिख रहे हैं कल की 2898 एडी के मेकर्स। अपनी मूवी की नई रिलीज डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा किया है पिछले 2-3 दिनों से कल की 2898 एडी के मेकर्स ने, जहां पर वो काउंटडाउन वाला कोई सीन चल रहा है, फिर वो डिकोड वाला कोई सीन चल रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, कब कल की 2898 एडी रिलीज होगी और कब इसकी फाइनल डेट बताएंगे मेकर्स, इन सब के बारे में क्लियरिटी से बताएंगे। लेट्स चेक इट आउट। कल की 2898 एडी डायरेक्टर नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी है ये मूवी, जिसमें लीड कैरेक्टर में दिखेंगे हमें प्रभास, बिग बी, राणा दग्गुपति, दीपिका पदुकोण एंड कमल हसन। प्रभास इसमें भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का रोल प्ले करने वाले हैं। वैसे हाल ही के दिनों में उनकी मूवी सलार के काफी चर्चे है, जो ब्लॉकबस्टर हुई है और जिसका सलार एंड टीम ने काफी अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन भी किया है। सलार की ग्रैंड सक्सेस के बाद फैंस को प्रभास की अगली मूवी का इंतजार है। वैसे प्रभास के अभी अपकमिंग कई सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग है, जिसमें राजा ड्यूलक्स, कल की 2898 एडी, सलार 2 एंड स्पिरिट जैसी मूवी शामिल है। लेकिन अब इनमें से कौन सी मूवी हमें 2024 में देखने को मिलेगी प्रभास की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है फैंस के लिए। तो अब सलार के ब्लॉकबस्टर होने के बाद सलार के क्रेज के बीच मौके पर चौका मारा है कल की 2898 एडी के मेकर्स ने, जहां पर वो बहुत ही जल्द अपनी न्यू रिलीज डेट को अनाउंस करने वाले है। लेकिन अब इसी चीज को मेकर्स ने इतना यूनिक बनाया है कि फैंस की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कल्कि की रिलीज डेट को लेकर। जी हाँ, पिछले 2-3 दिन से मेकर्स कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं फैंस के क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले वो काउंटडाउन जैसा कुछ रखा था जिसमें से हमें गेस करना था कि रिलीज डेट कौन सी होगी, और अभी उन्होंने कुछ डिकोड वाला सीन क्रिएट किया है जहाँ पर कोड से हमें ये कैलकुलेशन करके पता करना है कि वो कौन सी डेट होगी जहाँ पर कल्कि 2898 एडी के न्यू रिलीज डेट का अनाउंस किया जाएगा। तो फाइनली कुछ बड़े बड़े फैन पेजेस ने इसको डिकोड किया है और कैलकुलेशन के बाद इसकी डेट बनती है 12 जनवरी और टाइम बनता है शाम को 5:30। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि 12 जनवरी को शाम को 5:30 पे कल्कि के न्यू रिलीज डेट को अनाउंस किया जाएगा। है ना बिल्कुल यूनिक तरीका मूवी के प्रमोशन का। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे कौन कौन सी नई नई स्ट्रेटेजी लाते हैं मेकर्स इस मूवी के प्रमोशन के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे अपडेट ये भी है कि न्यू रिलीज डेट एक नए पोस्टर के साथ रिवील की जाएगी और ये पोस्टर प्रभास और बिग बी का होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर साइंस फिक्शन पर आधारित होगी मूवी, जिसके साथ हमारी हिस्ट्री को भी कनेक्ट किया जाएगा। इस मूवी का बजट है 600 करोड़ और ऑब्वियसली जिस तरीके का इस मूवी का टॉपिक है और जो हैवी बजट है, इससे तो ये साफ साफ नजर आता है कि इसका VFX किस लेवल का होगा। वैसे अपडेट तो ये भी है कि इसी साल 9 मई को ये मूवी रिलीज हो जाएगी थिएटर्स में। तो कितने एक्साइटेड है प्रभास की अपकमिंग मूवी कल्कि को लेकर, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।